आपका स्वागत है दीक्षा से डिसेंटर चैनल पर। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और ये बिल्कुल फ्री। हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ दीक्षा से डिसेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक एरर के रूल्स के बेसिस में 10 हम लोग कर लेते हैं एरर करेक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये इस पैटर्न के एरर्स हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, तो चलिए देख लेते हैं और क्या है टोटल 10 क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है इसमें, जो पहला क्वेश्चन है, देखिए द मेन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग सच स्कीम्स इज़ दैट यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। ठीक है, देखिए ये इधर ही आपका जो है एरर आ गया। यहाँ पे इन्वेस्टिंग के साथ हमेशा जो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन आता है वो इन है। ठीक है, तो आपका जो है इन्वेस्टिंग इन हो जाएगा, तो मतलब दो में गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कस्टमर हैज़ रिटन अ लेटर थैंक्स द मैनेजर फॉर हर टाइमली हेल्प। तो देखिए यहाँ पे थैंक्स द मैनेजर, यहाँ पे फिर एक आपको जिरंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपने लेटर लिख दिया मैनेजर को थैंक्स करने, तो यहाँ पे जो है आपका जो वर्ब है उसको जिरंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो थैंकिंग द मैनेजर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आवर कंपनी वॉज रिसेंटली अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट टू मेजर ब्रिजेस इन द स्टेट। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्म पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें जो फॉर्म है ये पैसिव में बताया गया है। ठीक है, आवर कंपनी वॉज रिसेंटली, ये जो है पैसिव में है। तो जब पैसिव में है तो फिर ये जो अवॉर्ड जो आपका वर्ड है वर्ब है, इसको आपको थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो अवॉर्डेड करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंगली द सर्कुलर दैट वॉज इशूड यस्टरडे हैज़ रेज द रेट एट विच इट लेंस टू बैंक्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, देखिए अकॉर्डिंगली द सर्कुलर नहीं होता है, आइदर आपको अकॉर्डिंग टू करना पड़ेगा या इन अकॉर्डेंस विथ करना पड़ेगा, तब जाके आपको राइट होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कंपनी इज गोइंग टू इनकर हेवी लॉसेस दिस ईयर बिकॉज ऑफ द बिग डिस्काउंट दे ऑफर्स। देखिए इधर ही गलती, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, दे है उसके बाद ऑफर्स है, कभी नहीं होता है, क्योंकि हमेशा हम लोग को पता है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस या ईएस ऐड होता है, तो दे तो ये प्लुरल है, तो आपका ऑफर्स नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी हैव लैप्स्ड बिकॉज मेनी पीपल हैव नॉट पेड देयर इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम। अब देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, ये हमेशा जो मतलब ही होता है आपका प्लुरल, लार्ज नंबर ऑफ कहीं पे भी देखें तो वो जान लीजिए आप प्लुरल है, तो पॉलिसी नहीं होगा, पॉलिसीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें गलती हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज़ द गवर्नमेंट बॉडी हु तो कभी नहीं होता, विच रेगुलेट्स हो जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट बॉडी विच रेगुलेट्स इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाई इंडियन फैक्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो इसमें गलती है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फाइनल डिसीजन कैन बी टेकन ओनली आफ्टर वी कंसिडर ऑल द पैनल सजेशन, तो इसमें कहीं पर भी गलती नहीं है, तो ये नो एरर हो जाएगा आपका, ये सब ठीक है। देखिए द फाइनल डिसीजन कैन, कोई गलती नहीं है, बी टेकन, तो कैन बी टेकन ओनली आफ्टर, इसमें भी कोई गलती नहीं है, वी कंसिडर ऑल द पैनल सजेशन, इसमें भी कोई गलती नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ हिज एम इज़ टू बाई अ हाउस इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ही शुड स्टार्ट इमीडिएट सेविंग। तो देखिए स्टार्ट है और इमीडिएट है, तो स्टार्ट अगर वर्ब है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए, तो वो इमीडिएटली हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें गलती है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, तो क्वेश्चन है यू वेयर तो होगा ही नहीं, वेयर यू हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, आपको इधर ही पता चल जाएगा, इधर ही गलती है दोस्तों। ठीक है, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वेयर यू लेट दिस मॉर्निंग व्हेन वी हैड टू मेक सच एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है, तो ज़रूर आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।